नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज किस कमाल की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टैग पर। दोस्तों पहले ये जान लेना बहुत ही जरूरी है, मैंने पहली वीडियो आपको बताया था कि भाई ब्लॉगर क्या होता है, दोस्तों ब्लॉगर काम कैसे करता है, ब्लॉग होता क्या है। मगर दोस्तों अगर आप वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो, वेबसाइट आप सोच रहे हो कि यार मैं भी कोई वेबसाइट अपनी बनाऊँ, अपना कोई ब्लॉग बनाऊँ, तो आपको ये जान लेना पहले बहुत ही जरूरी है बेसिक कि यार डोमेन नेम आखिर होता क्या है, होस्टिंग क्या होती है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो आपको उसके लिए होस्टिंग लेनी पड़ेगी, डोमेन नेम लेना पड़ेगा, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि भाई डोमेन नेम होता क्या है, होस्टिंग क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि डोमेन नेम होता क्या है, होस्टिंग क्या होती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको जोर से देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मगर दोस्तों हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहते हो इन फ्यूचर में ऐसी वीडियो और देखना तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर आपको हिट करना है हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो को हम समय ज़्यादा ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे यार डोमेन नेम की। या दोस्तों डोमेन नेम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर देख रहे हो वाली वीडियो, तो आपको पता होगा कि भाई YouTube.com ये भी एक डोमेन नेम है, Amazon.com ये भी एक डोमेन नेम है, खुद दोस्तों Google.com भी एक डोमेन नेम है। अगर आप भी अपना कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से उसका नाम वहाँ पे फाइंड कर सकते हो, नाम वहाँ पे चूज कर सकते हो, रख सकते हो। जैसे दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, आपकी समझ में पक्का आ जाएगा। जैसे दोस्तों मेरे चैनल का नाम है स्पेशल टैग, और दोस्तों मेरा नाम है अमित मंडारिया, दोस्तों अमित कुमार आप बोल सकते हो। अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा specialtag.com, या दोस्तों specialtag.com से ही मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। दोस्तों डोमेन नेम वो चीज़ होती है, अगर हम गूगल पे जाते हैं तो हम सर्च करते हैं specialtag.com, तो मेरी जो वेबसाइट है, मेरा जो ब्लॉग है, वो उसी नाम से सर्च होके हमारे सामने आपके सामने आ जाता है। दोस्तों उसी को बोलते हैं हम डोमेन नेम। डोमेन नेम बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो डोमेन नेम लेना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। डोमेन नेम के बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते हो, ब्लॉग नहीं बना सकते हो। दोस्तों नंबर वन बात ये रही डोमेन नेम की। और दोस्तों बात करते हैं वहीं होस्टिंग की, तो थोड़ा डिटेल में थोड़ा डीपली समझिए होस्टिंग क्या होती है। जैसे दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर सपोज करिए मेरे फ़ोन में मेमोरी नहीं होती, दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैं फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ। अगर आप ये समझते हो कि भाई कैमरा शूट करते हैं, दोस्तों आप गलत हो, मैं कैमरा से वीडियो शूट नहीं करता हूँ, फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ। चाहे दोस्तों फ़ोन हो चाहे कैमरा हो, आप उसमें पिक्चर क्लिक करोगे, वीडियो शूट करोगे, तो भाई मेरे फ़ोन में अगर मेमोरी नहीं होती तो क्या ये वीडियो सेव हो पाती और आप तक पहुँच पाती? कभी नहीं। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप फोटो कोई कैप्चर कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो किसी फ़ोन से, तो उस फ़ोन में मेमोरी नहीं होगी, या दोस्तों इंटरनल मेमोरी हो या एक्सपेंडेबल हो, कोई सी मेमोरी यार नहीं हो, तो उस फोन में ना तो फोटो खींच पाओगे, ना ही वीडियो सेव कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार दोस्तों आपने डोमेन नेम तो खरीद लिया, आप वहाँ पे कंटेंट तो लिखोगे ही लिखोगे, जब कंटेंट लिखोगे तभी तो लोगों तक पहुँचेगा, तो आप उस कंटेंट को रखोगे कहाँ? जहाँ पे आपका कंटेंट सेव रहता है, आपका कंटेंट रहता है, उसी जगह को बोलते हैं दोस्तों होस्टिंग, जो कि आपको कुछ पे करना पड़ता है। दोस्तों कुछ आपको पे करना पड़ता है, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, फिर दोस्तों मैं आगे आने वाली वीडियो बताऊंगा कि भाई होस्टिंग आपको कितने कितने रुपए में, सस्ती होस्टिंग आप कहाँ से ले सकते हो, सस्ता डोमेन आप कहाँ से ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैंने आपको ये बताया है कि भाई होस्टिंग क्या होती है, डोमेन नेम होता क्या है। जहाँ पे दोस्तों हमारा कंटेंट सेव रहता है उसी को हम बोलते हैं होस्टिंग, ऑनलाइन हमें खरीदनी पड़ती है। जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, वो कंप्यूटर हमारे लिए ही काम करते हैं, उनमें से हमें कोई एक CPU लेना पड़ता है। दोस्तों बहुत जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती हैं वो तो अपना खुद का होस्टिंग रखती हैं, मगर दोस्तों हम दूसरे का कोई कंप्यूटर लेते हैं, उसमें 4GB होस्टिंग हमने लिया, यानी कि दोस्तों 4GB रैम अब मान के चलिए, बस ये सिंपल भाषा में हमने 4G अपना ले लिया है, हम अपना 4GB तक वहाँ पर रख सकते हैं। और दोस्तों आप ज़्यादा रखोगे तो उसके लिए आपको और बड़ी होस्टिंग थोड़ा लेनी पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ चुका होगा कि भाई होस्टिंग क्या होती है, डोमेन नेम होता क्या है। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि डोमेन नेम आप कैसे बाय कर सकते हो, सस्ते से सस्ता डोमेन नेम आप कैसे बाय कर सकते हो, या फिर दोस्तों मैं आगे वाली वीडियो बताऊंगा कि भाई फ्री में आप एक ब्लॉगर कैसे बन सकते हो, ब्लॉग अपना कैसे बना सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जरूर से हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।